गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। मैं संजू शर्मा आज आपके लिए टॉपिक लाई हूँ शिक्षण के सिद्धांत। ये शिक्षण के सिद्धांत आपके आरटेट, सीटेट और नेट के आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको शिक्षण के सूत्र बताए थे। ये दोनों पॉइंट मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये हमारे शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण कारक में से हैं, जिसमें जो हमने शिक्षण सूत्र पढ़े वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे आने वाले सभी प्रतियोगिताओं में, टीचिंग प्रतियोगिताओं में हमसे पूछे जाते हैं। उसी के आधार पर मैं जो नेक्स्ट वीडियो आपकी बना रही थी वो है हमारे शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण सूत्र के बाद में हमारे जो टॉपिक है वो है शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत में सर्वप्रथम हम इसके नाम को जानेंगे कि सिद्धांत क्या है, शिक्षण क्या है। तो बच्चों ये हम जानते हैं कि शिक्षण आखिर होता क्या है। शिक्षण के लिए हम कहते हैं कि शिक्षण हमारी अधिगम की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें छात्र छात्र के व्यवहारगत जो हम परिवर्तन करते हैं, अधिगम में जो परिवर्तन लाते हैं, जो हम सिखाते हैं वो किसके माध्यम से सिखाते हैं, शिक्षण के माध्यम से। उस अधिगम को बनाने सिखाने में हमारे शिक्षण एक प्रक्रिया होती है। तो हम जानते हैं कि शिक्षण का अर्थ होता है सीखना। शिक्षण का अर्थ है सीखना, जिससे कि हम जो हमें जो शिक्षक हमें सिखाते हैं उसे हम सीखते हैं। ये है हमारा सीखना। अब माने हम कि सिद्धांत, सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत होते हैं हमारे किसी के निश्चित मत जिसे हम फॉलो करते हैं। निश्चित मत, जब हमारी कोई कही हुई बातें अगर निश्चित हो जाती हैं, उसके लिए सभी एग्री हो जाते हैं उस चीज को मानने के लिए, तो वो एक तरीके से हमारा निश्चित मत हो जाता है कि हमें इसी सिद्धांत के आधार पर कार्य करना है। तो सिद्धांत को हम कह सकते हैं कि वो किसी के लिए एक निश्चित मत होता है। ये दो अर्थ मैंने सर्वप्रथम इसलिए सिखाया क्योंकि जब भी हमारे पास ये शब्द आते हैं कि सिद्धांत, सिद्धांत क्या होते हैं, तो हमें ये चीज जानने की आवश्यकता है कि आखिर सिद्धांत होता क्या है, सिद्धांत को हम किस नाम से जानते हैं। तो ये मैंने पहले भी बताया, सिद्धांत हम जो हमारे रूल बनाते हैं। अब आप इस चीज को जानते भी कि अगर रूल हम कब बना सकते हैं, जब इसको सभी मानते हैं, उसके लिए मत प्रदान हो जाते हैं निश्चित कि ये चीज सही है। इसीलिए इसका एक नाम दे गया शिक्षण सिद्धांत। अब हम आगे देखते हैं कि आखिर हमारे शिक्षण सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो शिक्षण सिद्धांतों को दो भागों में इनका विभाजन किया गया है। शिक्षण सिद्धांत का दो भागों में विभाजन किया गया है। जो हमारा सर्वप्रथम हमारा शिक्षण सिद्धांत है सामान्य शिक्षण सिद्धांत, सामान्य शिक्षण सिद्धांत। और जो सेकंड है हमारा वो है हमारा मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत। अब जो हमारे शिक्षण सिद्धांत आज जो हम पढ़ेंगे शिक्षण सिद्धांत, उसमें हम सर्वप्रथम, क्योंकि हम प्रत्येक दोनों शिक्षण सिद्धांतों को एक साथ ना पढ़कर हम एक एक शिक्षण सिद्धांत पढ़ेंगे, सर्वप्रथम जो पहला हमारा शिक्षण सिद्धांत है वो है हमारा सामान्य शिक्षण सिद्धांत। अब सामान्य शिक्षण सिद्धांत में हम पढ़ेंगे तो इस सामान्य शिक्षण सिद्धांत में हम ये पढ़ेंगे कि सामान्य शिक्षण सिद्धांत आखिरकार कौन कौन से होते हैं। ये शिक्षण सिद्धांत, प्रत्येक शिक्षण सिद्धांत के बारे में हमसे पूछा जा सकता है कि ये शिक्षण सिद्धांत कौन से हैं, किसके द्वारा इन्हें प्रतिपादित किया था, या इन शिक्षण जो हमारे अनेकों शिक्षाविद हुए हैं उनकी डेफिनेशन हमसे पूछी जा सकती है कि ये कौन सा सिद्धांत है। इसीलिए जो आज हम पढ़ेंगे वो है हमारा सामान्य सिद्धांत। शिक्षण के दो हमने प्रकार बांट दिए, पहला सामान्य शिक्षण सिद्धांत और सेकंड है हमारा मनोवैज्ञानिक शिक्षा सिद्धांत। अब सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे हमारा जो है हमारा सामान्य शिक्षण सिद्धांत। सामान्य शिक्षण सिद्धांत में सर्वप्रथम हमारा शिक्षण सिद्धांत आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। जो फर्स्ट है हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत,
क्रियाशीलता का सिद्धांत। ये क्रियाशीलता के सिद्धांत के लिए अगर हम देखें तो क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या होता है बच्चों, क्रिया करना यानी कि कार्य करना। आज जो हमारे हमें जो हमारे छात्र अध्यक्ष जो हमारे शिक्षक होते हैं छात्र को जो कार्य देते हैं, आपने देखा कि बच्चे जब विद्यालय में जाते हैं तो बच्चों को क्रियाशील बनाने के लिए शिक्षक क्या करते हैं, उन्हें कोई वर्क देते हैं, कोई कार्य उन्हें सौंप दिया जाता है। इसलिए क्यों किया जाता है ये, क्योंकि जो शिक्षक होते हैं वो छात्र को क्रियाशील बनाते हैं। हम देखते हैं कि हमारा ऐसा क्या कहते हैं कि सर्वप्रथम जो विद्यालय है हमारा वो हमारा परिवार होता है। हमने परिवार में भी देखा है कि परिवार में हमें क्या कर दिया जाता है, हमें खेलने के लिए छूट दी जाती है या हम कोई कार्य करते हैं उसके लिए छूट दी जाती है। तो वो हमारे माता पिता हमारे लिए क्यों करते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो क्रियाशील बने, एक्टिविटी करते रहे। तो अगर छात्र को क्रियाशील बनाना है तो हमें उन्हें कार्य देना पड़ता है। ये हमारा, जब तक हम ये क्रियाशीलता के सिद्धांत को नहीं अपनाएंगे तो हमारा शिक्षण हमेशा अप्रभावी होगा। आपने देखा है अगर शिक्षक छात्र को कोई कार्य ना दे, वो अपने कार्य में ना लगे, तो बच्चे जो शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं उसमें वो अपना इंटरेस्ट जागृत नहीं करेंगे, या हम कहें कि वो पूर्ण रूप से उसमें सहभागिता प्रदान नहीं करेंगे। अगर हमें छात्र की सहभागिता चाहिए तो हमें उन्हें क्रियाशीलता के सिद्धांत पर उन्हें कार्य देना चाहिए। ये हमारे लिए एक तरीके से ये होता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसे बच्चों ने कितना सीखा है, ये भी हमें हमारी क्रियाशीलता के सिद्धांत से पता चलता है। जब शिक्षक हमारे छात्र को कार्य देते हैं और वो कार्य जब हमारी पूर्ति होती है तब हम ये जान पाते हैं कि छात्र ने कितना हमारे उस कार्य को सीखा है। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे क्रियाशीलता का सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत बच्चों आपने पहले देखा था कि हमारे फ्रॉबेल ने भी दिया था, ये इसके जो हमारे प्रतिपादक थे हमारे फ्रॉबेल थे, फ्रॉबेल ने इन्हें एक अलग पहचान दी थी जिसके लिए उन्होंने कहा था कि बालक क्रिया के द्वारा ही कार्य को सीखता है। फ्रॉबेल की परिभाषा थी ये कि बालक क्रिया के द्वारा ही कार्य सीखता है। अर्थात अगर हम छात्र को कार्य न दें तो उसने ये क्या सीखा है, ये ना तो शिक्षक को पता चलेगा, और एक तरीके से हम कहें कि जब तक हम बच्चों से कार्य नहीं करवाते, या हम ये कहें कि जब तक हम स्वयं कुछ नहीं करेंगे तो हमें वो चीज नहीं आएगी। कार्य करने से ही हम सीखते हैं, चाहे हमें थ्योरी कितनी भी समझाई हो लेकिन जब तक हम उसका प्रैक्टिकल या हम कैसे व्यवहारिक जीवन में या हम उस पर कार्य करके ना देखें तब तक हमें ये पता नहीं रहता कि हमने उस कार्य को कहां तक सीखा है। अगर कार्य को सीखना है तो हमें बालक को क्रिया के द्वारा ही सिखाया जाता है, बालक को हमें क्रियाशील बनाना ही पड़ता है। अब इसमें देखिए कि इसमें जहां तक संभव हो सके उसे करके सीखने का अवसर दिया जाए, जहां तक संभव हो उसे यानी बालक को से करके सीखने पर जोर दे। ये है हमारे किसकी डेफिनेशन, हमारे फ्रॉबेल की। ये फ्रॉबेल ने इस चीज के लिए कहा है, और क्रियाशीलता का जब सिद्धांत का नाम आता है तो सर्वप्रथम हमारे पास जो नाम हमारे दिमाग में आता है वो नाम सबसे पहले हमारे फ्रॉबेल का ही आता है। फ्रॉबेल ने और मंडेसनी जिन्होंने हमें खेल की पद्धति से, क्योंकि तो खेलना भी व्यक्ति को क्रियाशील बनाना होता है। आप लोगों ने देखा है कि हम जो हमारे पाठ्यक्रम जो हम पढ़ते हैं उसके साथ हमारा वर्क होता है, साथ में हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी होती है, तो वो पाठ्य सहगामी क्रियाएं किस आधार पर बनाई गई है, इस क्रियाशीलता के सिद्धांत पर। क्योंकि अगर बच्चों को क्रियाशील बनाना है तो हमें उनके अंदर ऐसी गतिविधियों का समावेश करना पड़ता है या उन गतिविधियों को हमें जोड़ना पड़ता है जिससे कि बच्चा और ज्यादा क्रियाशील हो। तो ये हमारे फ्रॉबेल का नाम आते ही हम जान जाते हैं कि ये फ्रॉबेल ने हमारे क्रियाशीलता का सिद्धांत दिया था। दूसरी डेफिनेशन हम देखेंगे, महात्मा गांधी जी ने भी क्रियाशीलता के सिद्धांत के लिए कहा है कि
मस्तिष्क की शिक्षा केवल शरीर के अंगों से उचित, हमारे जो शरीर के अंग होते हैं, शरीर के अंगों को उचित अभ्यास और प्रशिक्षण से प्राप्त किया जा सकता है। और प्रशिक्षण जब हम लेते हैं तो क्या होता है, कहते नहीं केवल मस्तिष्क हमारा कार्य नहीं करता है, मस्तिष्क हमें जब तक हमने ज्ञान तो लिया है लेकिन हमें उसे प्रयोग में कैसे लेना है वो जब तक हमने नहीं किया तब तक हम उस कार्य को पूर्ण रूप से नहीं सीख सकते। हमारे शरीर के अंग जिसमें क्रियाशील नहीं हो जब तक हम हमारे अंदर एक्टिविटीज हम उस कार्य को पूरा नहीं कर सकते, या हम कहें कि जिसके अंदर अभ्यास नहीं होगा तो हमारा प्रशिक्षण कमजोर होगा। तो अभ्यास करेंगे, अभ्यास किस पर है, हमारे क्रियाशील पर, यानी कि जितना हम अभ्यास करेंगे क्रिया करेंगे हम उतना ही अच्छा सीखते हुए चले जाएंगे। तो फर्स्ट हमारा सिद्धांत है इसका क्रियाशीलता का सिद्धांत। अब हम सेकंड इसके लिए देखेंगे कि सेकंड जो हमारा सिद्धांत है वो है हमारा प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत फर्स्ट था हमारा क्रियाशीलता का, सेकंड है हमारा प्रेरणा का। प्रेरणा क्या होती है बच्चों, प्रेरणा होती है कि जो हमें मोटिवेट करे, हम प्रेरित होते हैं किसी व्यक्ति से, हमें देखा है कि हमारे जीवन में अनेकों व्यक्ति हम या हम बहुत से लोगों से मिलते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ना किसी से प्रेरित होते हैं, तो वो हमें होना चाहिए कि हम देखें कि हमारे जीवन में इतने लोग मिलते हैं हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी से हमें प्रेरणा जरूर मिलती है। तो प्रेरणा क्या होती है, हमें सिखाती है, हमें उस आदर्श के रूप में, उस आदर्शता के जिनकी हम प्रेरणा ले रहे हैं उनके हमें उनके नक्शे कदम पर हम चलने की कोशिश करते हैं। प्रेरणा हमें क्रियाशील बनाती है क्योंकि जब हम ये देखेंगे कि उस व्यक्ति ने इतनी मेहनत की है, इतना कार्य किया है तो हम भी उतना ही कार्य करेंगे। तो प्रेरणा के लिए हम कहेंगे प्रेरणा के सिद्धांत अगर हो तो प्रेरणा के सिद्धांत के लिए, प्रेरणा का सिद्धांत हमें क्रियाशील बनाने के लिए अनिवार्य होता है, वो हमें ये मोटिवेट करते हैं कि हमें किस तरीके से उस कार्य को करना है। अतः बालक को जो सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए हमें प्रेरणा, यानी कि हमें प्रेरित करते रहना चाहिए, उसे याद दिलाते रहना चाहिए, चाहे वो हम किसी के द्वारा भी करें। तो ये कहेंगे कि जब तक पहला था हमारा क्रियाशील की बच्चे को कैसा बनाए हम, क्रियाशील, और क्रियाशील बनाए रखने के लिए हमें क्या, हम क्या करते हैं बच्चों को प्रेरणा देते हैं, चाहे हम किसी व्यक्ति का उदाहरण दें, शिक्षक श्रम का उदाहरण दें, तो हमें क्या करना होता है, उसे प्रेरित करना होता है। अगर हमें बालक को क्रियाशील बनाने के लिए प्रेरणा देना अनिवार्य होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो इसकी डेफिनेशन कही गई है वो कही गई है, पाठक जी ने कहा है इसके लिए कि शिक्षण में प्रेरणा एक शक्तिशाली तत्व है। ये पाठक जी की डेफिनेशन है, पाठक जी ने कहा है कि प्रेरणा एक शक्तिशाली तत्व है, यानी कि ये हमें क्रियाशील बनाने के लिए सबसे पावरफुल होता है कि हमें किस तरीके से एक शक्ति प्रदान होती है। हम देखते हैं ना कई बार जब हम जिस व्यक्ति से प्रेरित होते हैं तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि हम भी वैसे ही बने, तो हमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि जो शक्ति उस व्यक्ति में है वो शक्ति हमारे स्वयं के अंदर आ जाती है। तो प्रेरणा क्या करती है, हमें एक शक्ति प्रदान करती है क्योंकि वह रुचि भी जागृत करती है और ध्यान को भी केंद्रित करती है, विचार को तीव्र बनाती है और हमें क्रिया, और ये सब चीजें क्या करती है, क्रियाशीलता को जन्म देती है। ये हमारी पूरी चीज पाठक जी ने कहा है कि क्रियाशील के लिए प्रेरणा अनिवार्य है, प्रेरणा एक शक्तिशाली तत्व है और हमारे जो क्रियाशील हमारी एक शक्तिशाली तत्व है, ये रुचि जागृत करती है रुचि यानी इंटरेस्ट, हमारे किस तरीके से हमें उसके अंदर इंटरेस्ट जागृत करना है ये भी हमें प्रेरणा देती है। साथ में ध्यान केंद्रित करती है और इससे हम क्या करते हैं, हमारे जो हमारी क्रियाशील होती है ये क्रियाशील को जन्म देती है
ये डेफिनेशन है हमारी पाठक जी ने कही है, बीडी पाठक जी ने, कि हमारा जो हमारा प्रेरणा का सिद्धांत है वो किस पर है कि जब तक हम जानते हैं कि बालक को हमें क्रियाशील बनाना है, लेकिन क्रियाशील हमें किस तरह से बनाना है ये इन्होंने बताया है। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो आता है हमारा जीवन से संबंध का सिद्धांत। जीवन से संबंध का सिद्धांत। बच्चों ये चीज हम जानते हैं कि जब तक जो आपने देखा है कि हम शिक्षा और ज्ञान वही लेते हैं जो हमें आवश्यक हो, और आवश्यकता सीधी हमारी कहीं ना कहीं हमारे कहां किससे जुड़ी होती है, हमारे जीवन से। कई बार हमने देखा हमारे जीवन में हमारे साथ ऐसी दुर्घटनाएं भी घटती हैं कि उसी से ही हम लोग प्रभावित होकर और उस चीज का ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हमें शिक्षा लेना, जो हम शिक्षा लेते हैं, हमारी जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है वो हमारे सीधे और सीधे हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती है। क्योंकि सर्वप्रथम हम देखें कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है और समाज में रहते हुए उसकी खुद की कोई आवश्यकताएं होती है, तो उन आवश्यकताओं को जो उसके जीवन से जुड़ी हुई है तब तो हम शिक्षा वही लेंगे जो हमारी आवश्यकता है। तो इसके लिए कहते हैं कि शिक्षा का एक सिद्धांत ये होना चाहिए कि वो सीधे किससे जुड़ी हुई होनी चाहिए, जीवन, हमारे जीवन से उसका संबंध होना चाहिए। जीवन से जब तक हमारा जीवन एक हमारा निरंतर अनुभव होता है, उस अनुभव के द्वारा हम शिक्षण को और अधिक स्थायी बना सकते हैं और उसे हमारे जीवन के साथ जोड़ सकते हैं। हमारे जो हमारी शिक्षा होती है अगर हमें जो स्थायी बनाना है तो उसे हम कहां से जोड़ेंगे, हमारे जीवन से। यानी कि जब तक शिक्षा हमारे जीवन से नहीं जुड़ती है वो शिक्षा हमारी क्या होती है, हमारी शिक्षा पूर्ण नहीं होती है। इसके लिए रायबंद जी ने कही है जो हमारे शिक्षाविद थे, उन्होंने कहा है कि हर पाठ का प्रारंभ जो हमारे प्रत्येक हमारी आवश्यकता, अगर हम पाठ के लिए कहें तो वो हमारी आवश्यकता होती है कि हर पाठ का आरंभ कहां से होता है। बच्चों हर पाठ का आरंभ उस बात से होना चाहिए किस बात से, जो सीधे और सीधे कहां से जुड़ी हुई हो, हमारे अनुभवों से। यानी कि ऐसा हो जिसका अनुभव बालक से हो, और बालक का अनुभव कहां से होगा, उसके जीवन से। इसीलिए कहते हैं कि हमारी जो शिक्षा है उसको सीधे उसका प्रारंभ हमारे उस बात से होना चाहिए जिसका बालक ने अनुभव लिया हो। ये हमारी जो शिक्षा हम बालक के अनुभव को जोड़ेंगे वो शिक्षा सीधी हमारे जीवन से जुड़ेगी। तो ये हमारा पहला था क्रियाशीलता का सिद्धांत, सेकेंड था हमारा प्रेरणा का सिद्धांत, थर्ड था हमारा जीवन से संबंधित सिद्धांत, फोर्थ है हमारा रुचि का सिद्धांत यानी कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्टिंग, कि हमारे किस तरीके से हम उसमें इंटरेस्ट जागृत करते हैं। ये हम मानते हैं कि जो हम जब तक हमारी शिक्षा प्रभावी नहीं होती है जब तक हम बालक का इंटरेस्ट उसमें ना जोड़े। अगर शिक्षक की ये सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि किस तरीके से वो बालक को जो पढ़ा रहे हैं, छात्र को किस तरीके से अपने विषय वस्तु में या अपने अध्ययन करवाने में इंटरेस्ट जागृत हो। क्योंकि हम मानते हैं कि जब तक छात्र का इंटरेस्ट जागृत नहीं होगा तो हमारी जो शिक्षण हमने करवाई वो शिक्षण प्रक्रिया हमारी अधूरी होती है। हम एक शिक्षार्थी के समुदाय के बीच जो हमारी वास्तविक रुचि को पैदा करके हम जानी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको, उसकी प्रभावशीलता को हम बढ़ा सकते हैं। उसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए हमें छात्र के अंदर हमारा इंटरेस्ट जागृत करना होता है कि किस तरीके से हम उसे और ज्यादा प्रभावी हम शिक्षण को बना सके। इसके लिए पिनमेट ने कहा है,
स्टेटमेंट में कहा है कि जब तक छात्र सक्रिय नहीं हो, छात्र में सक्रिय रुचि नहीं होती है, यानी कि वो जब तक उसमें सक्रिय नहीं होगा तब तक शिक्षक का यानी कि शिक्षक जो पढ़ाते हैं, शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य नहीं होगा। जो मैंने बताया कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को हमें प्रभावशाली, क्योंकि शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य क्या है, बच्चों को अधिगम करवाना। तो इसे कहते हैं कि ये हमारे लिए जो हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कर रहे हैं वो कितनी प्रभावशाली है, ये प्रभावशाली के बताइए बता है कि किस तरह से पिनमेट ने कहा है कि जिसका हम जब तक छात्र में सक्रिय रुचि नहीं होती है तब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य नहीं होता। ये हमारा रुचि का सिद्धांत कहता है कि अगर हमें उसमें जो सर्वोत्तम कार्य शिक्षक का इंटरेस्ट जागृत करना है, जब तक हम उस कार्य को नहीं करेंगे तब तक वो कार्य हमारा पूर्ण नहीं होगा। ये हमारा इसका फोर्थ जो हमारा शिक्षण सिद्धांत है, ये हमारे फोर्थ शिक्षा सिद्धांत है। आगे है हमारा जो फिफ्थ नंबर का शिक्षण सिद्धांत है, कि फिफ्थ नंबर का हमारा शिक्षण सिद्धांत क्या कहता है बच्चों। ये मैंने आज आपको हमारे सामान्य शिक्षण सिद्धांत में मैंने आपको चार शिक्षण सिद्धांत बताए हैं, और जो नेक्स्ट हमारे शिक्षण सिद्धांत है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।